नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ परमिंदर सिंह। पहला एक नज़र हुण तक दीआं चोणवीआं खबरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह नाल विश्व के ऊर्जा खेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई दे रहा है और इस नाल भारतीय ऊर्जा खेत्र में विकास, उद्यमिता ते रुजगार के व्यापक मौके पैदा होणगे। गांधी नगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनीवर्सिटी के 8वें कन्वोकेशन समागम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट में 30 से 35% कमी करन दे टीचे नाल अगे वध रहा है। भारत ने जम्मू कश्मीर में जैश ए मुहम्मद वालों अतवादी हमले की योजना बनाने के मामले में पाकिस्तान को सख्त विरोध दर्ज करवाया। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सैक्टर में पाकिस्तान वालों की गई गोलीबंदी की उलंघना च फौज का एक जवान शहीद। संविधान की 71वीं वरेगंढ में समर्पित 25 से 26 नवंबर को गुजरात के केवड़िए 88वां सर्व भारतीय प्रिजाइडिंग अफसर सम्मेलन करवाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अनुसार इस सम्मेलन का विषय शक्तिशाली लोकतंत्र लिए विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आदर्श तालमेल रखा गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पैरिस समझौते तहत तापमान में 2 डिग्री सैलसीयस की कमी लियाने लिए अगे वधन वाला G20 मुल्कों में भारत पहला देश है। देश में बीते 24 घंटे में 46,232 नवे कोरोना मामले दर्ज होने मगरों देश में कोरोना की पुष्टि करने वाले कुल मरीजों का अंकड़ा 90,50,598 ते पहुंचा। बीते दिन 49,715 कोरोना मरीज सेहतयाब होए। कोरोना तो ठीक होने की कौमी दर 93.67% पहुंची। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली सरकार को कोरोना नाल निजिठण लई मदद की पेशकश की। मुख्यमंत्री ने सूबे में 107 सेहत और वैलनेस सेंटर का किया उद्घाटन। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों सूबे में सेहत संभाल में नंबर एक सूबा बनाने लोगों को सहयोग देने की अपील। मुख्यमंत्री ने लोगों को भीड़ भड़के वाली थावों तो जाने तो गुरेज करन अते वड्डे इकट्ठ जां समाजिक समागम ना करन की अपील की। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह नाल विश्व के ऊर्जा खेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई दे रहा है और इस नाल भारतीय ऊर्जा खेत्र में विकास, उद्यमिता और रुजगार के व्यापक मौके पैदा होंगे। आज गांधी नगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनीवर्सिटी के 8वें कन्वोकेशन समागम में वीडियो कॉन्फ्रेंस राही संबोधन करदे उन्होंने कहा कि भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट में 30 से 35% कमी करने के टीचे अगे वध रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कुदरती गैस की वरतों में 4 गुणा वाधा करने की कोशिश भी कर रहा है ताकि देश की ऊर्जा की लोड़ पूरी की जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में डिग्री हासिल करने वाला नौजवान विद्यार्थियों लिए बहुत बड़ी चुनौती है पर साडे विद्यार्थियों की काबिलियत और योग्यता इस विश्व चुनौती तो कितने वड्डी है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपील की है कि वह अपनी जिम्मेवारी की भावना नवे मौकों बदलन। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में भारत तो वड्डियां उम्मीदा ने अते ये साडे नौजवान विद्यार्थियों नाल जुड़िया ने। उन्होंने कहा कि असी सिर्फ अगे ही नहीं वधना सगों सब तो अगे अते सब तो तेज रहना है। आपने जो इस यूनिवर्सिटी में सीखा है उसके लिए और शुभकामनाएं। नेशन बिल्डिंग के जिस बड़े लक्ष्य को लेकर आज आप यहां से प्रस्थान कर रहे हैं उस नई मंजिल के लिए, नए सफर के लिए, मुझे विश्वास है कि आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म से आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। गांधीनगर की पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनीवर्सिटी के नाल अपने 150 की इस सांझ का जिक्र करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार तो इस यूनीवर्सिटी का दायरा वधा के पेट्रोलियम के नाल नाल समुचे ऊर्जा खेत्र के इस विच शामिल कर ले किया गया है। उन्होंने लोड़ पैण से इस वास्ते कानून में बदलाव करने की भी सुझाव दिता। इस तो पहला प्रधानमंत्री ने 5 आधुनिक सुविधावान का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही उद्घाटन किया। इन्होंने गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी वालों 17 करोड़ रुपए की लागत नाल स्थापित 45 मैगावाट उत्पादन समर्था वाला मोनोक्रिस्टलाइन फोटोवोल्टेक पैनल भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने यूनीवर्सिटी के 22 करोड़ रुपए की लागत नाल टेक्नोलॉजी कारोबारी इनक्यूबेटर की भी शुरुआत की।
भारत ने जम्मू कश्मीर में जैश ए मुहम्मद वालों अतवादी हमले की योजना बनाने के मामले में पाकिस्तान को सख्त विरोध दर्ज करवाया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में नवी दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिशन के कार्यकारी राजदूत को तलब किया। पाकिस्तानी अधिकारी ने बीते वीरवार जम्मू के नगरोटा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से बन टोल प्लाजा नेड़े हुए मुकाबले के सिलसिले में सद्या गया है। इस मुकाबले जैश ए मुहम्मद अतवादी संगठन के चार अतवादी मारे गए सन। भारत ने पाकिस्तान को अतवादियों के अतवादी गुटों को समर्थन देने की अपनी नीति छड्डन लई कहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को अपनी जमीन तो अतवादी ढांचे को तोड़ने लई भी कहा है। पाकिस्तान को कहा गया है कि इस मामले में विश्व नाल किए गए अपने वादे नूं और निभावे अते यह यकीनी बनावे कि उसकी धरती से किसी भी तरह की अतवादी सरगर्मी ना होवे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत अतवाद खिलाफ लड़ाई में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा लिए सारे जरूरी एहतियाती उपा करने लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तो शुरू हो रहे 15वें G20 सम्मेलन में हिस्सा लै रहे हैं। दो दिन चलने वाले इस सम्मेलन की प्रधानगी सऊदी अरब वालों की जा रही है। इस बार के सम्मेलन का विषय है सबना लई 21वीं सदी के मौकों का एहसास। शिखर सम्मेलन संबंधी मीटिंग वर्चुअल ढंग होगी। इस साल G20 की यह दूजी मीटिंग है। G20 की इस मीटिंग दौरान मुख्य तौर पर COVID-19 तो बाद की स्थिति मगरों लगातार विकास में यकीनी बनाने लिए चुके जाने वाले कदमों पर विचार चर्चा होगी। इस मौके G20 आगुओं वालों महामारी तो बाद की तैयारी, रुजगार के नवे मौके वधाउण ते नौकरियों की बहाली के ढंग तरीकों बारे विचार चंद्रा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के राजकुमार विचाले हुए टैलीफोन से गलबात मगरों इस साल मार्च के अखीर में G20 का विशेष लीडर सम्मेलन करवाया गया सी, जिस विच आगुओं विचाले बनी सहमति के चलदे G20 देशों च समय सिर लोड़ीदे कदम चुकन नाल COVID-19 महामारी को फैलन तो रोकण में सहायता मिली। इस सांझे उपराले ने दुनिया नूं अपनी तालमेल की एक दिशा दिखाउण दा वी काम किया। जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले च पैंदे नौशहरा सैक्टर च पाकिस्तान ने एक बार फिर तो गोलीबंदी की उलंघना की है। बिना किसी भड़काहट तो पाकिस्तान वालों की गई इस गोलीबारी च फौज का एक जवान शहीद हो गया है। पिछले कई दिनों तो पाकिस्तान वालों इस तरह नापाक हरकतां कीतियां जा रही ने। अजिहा मन्निया जा रहा है कि ठंड का कहर वधन तो पहला पाकिस्तान सरहद पारों वड्डी गिणती च अतवादियों नूं भारत दाखिल करवाने की धाक विच। दूजे पासे नगरोटा विच मारे गए चार अतवादियों के मामले में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अपनी जांच तेज़ कर दिती है। 26 नवंबर को संविधान की 71वीं वरेगंढ है। इस साल भारत सर्व भारती प्रजाइडिंग अफसर सम्मेलन का शताब्दी वरा भी मना रहा है। इस मौके 25 और 26 नवंबर को गुजरात के केवड़िया में 80वें सर्व भारती प्रजाइडिंग अफसर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज नवी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दसाया कि इस सम्मेलन का विषय शक्तिशाली लोकतंत्र लिए विधान पालिका कार्यपालिका न्यायपालिका का आदर्श तालमेल रखा गया है। उन्होंने कहा कि सांझे तौर पर साड़ी कोशिश है कि संविधानिक संतुलन बनया रहे। उन्होंने कहा है कि यह संतुलन ही सरकार के वख-वख अंगां विचाले सह होंद अते देश विच लोकतंत्र दे निरंतर विकास लई जरूरी है। ओम बिरला ने दसा है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वालों 25 नवंबर को किया जाएगा। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति गुजरात के राज्यपाल अते मुख्यमंत्री समेत देश दी वख-वख विधानसभावां अते विधान परिषदां दे प्रेजाइडिंग अफसर मौजूद रहणगे। इनका विषय हमने सशक्त लोकतंत्र हेतु विधायिकी का कार्यपालिका न्यायपालिका का आदर्श समन्वय रखा है, क्योंकि संविधान में तीनों का अलग अलग कार्य क्षेत्र है और तीनों चाहे कार्यपालिका हो न्यायपालिका हो विधायिका हो सब एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। केंद्रीय वातावरण जंगलात अते पौणपाणी तब्दीली वाले मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत G20 मुल्कां विचों अजिहा पहला देश है जो पैरिस समझौते तहत तापमान में 2 डिग्री सैलसीयस की कमी लियाउण दा टीचा हासिल करन दी दिशा वल अगे वध रहा है। एक ट्वीट सुनेहे में जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने जो वादा किया सी उसनू पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस टीचे का उद्देश्य यकीनी बनाना है कि साल 2100 तक धरती के तापमान नू सनअतीकरण तो पहला तापमान के मुकाबले 2 डिग्री सैलसीयस तो वध वधन ना दिता जाए। भारत में बीते 24 घंटे में 46,232 नवे कोरोना मामले दर्ज होने मगरों देश में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मरीजों का अंकड़ा 90,50,598 ते पहुँच गया है। बीते दिन 564 कोरोना मरीजों की मौतें हुई। हुण तक कोरोना महामारी ने देश में 132,726 जानां लईआं ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के अंकड़े अनुसार मौजूदा समय देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 4,39,747 है।
कुल 84,78,124 कोरोना मरीज सेहतजाब हुए ने। बीते दिन 49,715 कोरोना मरीज सेहतजाब हुए, जिस नाल कोरोना तो ठीक होने की कौमी दर 93.67% तक पहुँच गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनज़र दिल्ली सरकार को इस नाल निजिठण लई मदद की पेशकश की है। आज सूबे में वर्चुअल माध्यम राही 107 सेहत और वैलनैस सेंटर के उद्घाटन मौके मुख्यमंत्री ने भरोसा दिता है कि उन्होंने सरकार सूबे में कोरोना महामारी की संभावित दूजी लहर नाल निजिठण लई पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने पंजाब में कोरोना महामारी विरुद्ध लड़ाई में वधिया काम करने वाले अधिकारियों मुलाजमां ते डाक्टरां ते सेहत कामियां दी भरपूर प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी नूं नहीं पता कि पंजाब विच करोना की दूजी लहर कदों आएगी, पर दिल्ली NCR ते होर सूबियां ते खेतरां दा तजर्बा दसदा है कि दूजी लहर आएगी। उन्होंने सारे नूं इस प्रति चौकस करदिआं उम्मीद जाहर की है कि इस बार फिर सेहत विभाग ते OTS मुलाजम मौके अनुसार खरे उतरणगे। लेकिन यह हरेक मुखिया नहीं काम, इस काम में अगे गया है। जैसे मैं क्या कि सानू नहीं पता कि किन्ने होर अपने जी सैकेंड स्पाइक कहते हैं ये किस कदों आनी है, कहते हैं बहुत मिडल दिसंबर के शायद आ रहे, पर अपन तैयारी उन्हें रखनी पौ, वाहेगुरू कहे ना हो आए तो सामना तो करना ही पौगा अपन। तो मैं अज मैं खुशी है कि मैं सबको सारे और मैं जानता है कि इसके स्क्रीन पर नहीं है लेकिन सुन लो तुम चाहे जो भी डिस्ट्रिक्ट उत्थे लगे हुए हो या जो हॉस्पिटल लगे हो तुम ये गल सुन रहे हो। पहले तो मैं थोड़ा शुक्रगुजार है, धन्यवादी है कि तुम इस लड़ाई में बड़े तगड़े तरीके अगे लैके गए हो। मुख्यमंत्री ने सूबे में 107 सेहत और वैलनैस सेंटर का भी उद्घाटन किया, जिस नाल सेहत संभाल मूल ढांचा में वाधा होगा तो देहाती शहरी इलाकों में लोगों को उनके घरों के नेड़े सेहत सेवा मुहैया करवाईया जा सकनगियां। मुख्यमंत्री ने सिर्फ 3 साल के वक्फे में सेहत और वैलनैस सेंटर की सफलता लई सेहत और मैडिकल सिक्ख्या विभाग के यत्नों की शलाघा की। उन्होंने आस जताई है कि नवे सेहत और वैलनैस सेंटर कोविड महामारी के मौजूदा दौर में पंजाब के सेहत मूल ढांचे को एक नवे पद्धर से लैके जाएंगे। उन्होंने दसाया कि पंजाब 3,49 हैल्थ और वैलनैस सेंटर स्थापित करने की योजना सी, जिन्हों इस समय 2,046 सेंटर काम कर रहे हैं, आने वाले 2 महीनों में 800 होर सेंटर काम करना शुरू कर देंगे, बाकी रेंदे 2021 चालू हो जाएंगे। उन्होंने दसा कि यह सेहत और वैलनैस सेंटर समुदायक सेहत अधिकारियों मल्टीपर्पज हैल्थ वर्करों और आशा वर्करों वालों चलाए जाते हैं, जिनमें 27 दवाइया 6 तरह के टैसटा तो इलावा दूर संचार राही डाक्टरी सलाह मशवरा की सहूलत भी मौजूद है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे नूं सेहत संभाल लई नंबर एक सूबा बनाने लई लोगों नूं सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार सेहत संभाल सहूलतों की मजबूती ते ध्यान केंद्रित कर रही है ता जो समय सिर टैसटिंग ते इलाज नाल कीमती जानां बचाईआं जा सकन। मुख्यमंत्री ने लोगों नूं भीड़ भलक्के वालियां थावां तों जाण तों गुरेज़ करन अते वड्डे इकट्ठ जां समाजिक समागम ना करन की अपील की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिशन फतेह मंत्र वजों मास्क ही वैक्सीन है का नारा दिता। उन्होंने लोगों को कोरोना तो बचाव लिए पूरे एहतियात वरतन, खास करके वार बार हाथ धोने ते मास्क पाने की अपील की है। तो इस खबरों का बुलेटिन खत्म होंगे, आग्या दो, नमस्कार।